नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं स्ट्रेंज का एपिसोड 2। तो यार, अब तक आपने देखा कि क्लिया स्ट्रेंज को वापस लाना चाहती है और वो काफी अलग तरह की सॉर्सरर सुप्रीम है। लेकिन तभी ब्लास्फेमी कार्टेल नाम की गैंग मार्केट पर हमला करती है, जिन्हें क्लिया अच्छा सबक सिखाती है। लेकिन फिर रात को क्लिया देखती है कि किसी ने थंडरस्ट्राइक को फिर से जिंदा कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कमरा देखते हैं, जहां पर एक लड़का गाना गाते हुए खाना बना रहा था। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि नया थंडरस्ट्राइक है, और जो फिर से जिंदा हुआ है वो इसका पिता एरिक है, यानी कि पहला थंडरस्ट्राइक। तभी वो लड़के को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो अपने कमरे में देखता है कि दीवार में एक बड़ा सा छेद हो चुका था। फिर हम क्लिया को देखते हैं जो ज़ॉम्बी थंडरस्ट्राइक से लड़ रही थी, और साथ ही हार्वेस्टमैन भी ज़ॉम्बी थंडरस्ट्राइक से लड़ रहा था। तभी क्लिया अपने मैजिक से थंडरस्ट्राइक पर अटैक करती है, लेकिन थंडरस्ट्राइक क्लिया को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। तभी हार्वेस्टमैन पीछे से आकर थंडरस्ट्राइक के सीने में अपनी तलवार घुसाता है, जिसके कारण थंडरस्ट्राइक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। लेकिन फिर थंडरस्ट्राइक मुड़ जाता है और हार्वेस्टमैन पर अटैक कर देता है। ये सब क्लिया भी देख रही थी, और वो भी थंडरस्ट्राइक और हार्वेस्टमैन पर अटैक कर देती है। लेकिन हार्वेस्टमैन क्लिया के मैजिक को तोड़ते हुए क्लिया से कहता है कि ऐसा मत करो, मैं मौत का दूत हूँ और मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। जिस पर क्लिया हार्वेस्टमैन से कहती है कि तुम बोल भी सकते हो तो अपने बारे में बताओ। लेकिन तभी हार्वेस्टमैन क्लिया से कहता है कि मौत ही मेरा धंधा है और मैं किसी मॉर्टल को जवाब नहीं देता। ये कहते ही हार्वेस्टमैन जमीन से एक हाथ बाहर निकालता है और थंडरस्ट्राइक को पकड़ लेता है। तभी क्लिया हार्वेस्टमैन से कहती है कि जिसको तुमने पकड़ा है वो कभी थंडरस्ट्राइक के नाम से जाना जाता था, और उसका नाम एरिक मास्टरसन है, और मैं उसके साथ लड़ चुकी हूँ। तभी हार्वेस्टमैन क्लिया से कहता है कि मास्टरसन की आत्माओं पर अब हजारों भूतों का कब्जा है। उसका शरीर उन भूतों के लिए एक वेसल है, जो मेरी मिस्ट्रेस के खिलाफ जाकर लाइफ और डेथ के बैरियर को तोड़ना चाहते हैं। ये वो आदमी नहीं है जिसे तुम जानती हो। ये थंडरस्ट्राइक का शरीर है, पर अब भूतों का घर है। ये कहते ही हार्वेस्टमैन थंडरस्ट्राइक को फिर से उस हाथ में बांध देता है। लेकिन तभी हार्वेस्टमैन को क्लिया रोकती है और कहती है कि ये मेरा काम है और मैं अपने हस्बैंड को वापस लाना चाहती हूँ। जिस पर हार्वेस्टमैन कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। तभी इन दोनों के बातों के बीच थंडरस्ट्राइक अपना हाथ ऊपर करता है और थंडर को बुलाने लगता है। तो वही क्लिया को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं सॉर्सरर सुप्रीम हूँ और मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो वही थंडरस्ट्राइक हाथ ऊपर करके अपना हैमर बुलाता है और जोर से कहता है थंडरस्ट्राइक। ये कहते ही हार्वेस्टमैन और क्लिया को बिजली का झटका लगता है और थंडरस्ट्राइक उस हाथ से आजाद हो जाता है। तभी क्लिया और हार्वेस्टमैन फिर से खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि थंडरस्ट्राइक अपने हैमर के साथ तैयार था लड़ने के लिए। तभी हार्वेस्टमैन क्लिया से कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो और मेरे काम के बीच मत आओ। लेकिन क्लिया नहीं सुनती है और क्लिया थंडरस्ट्राइक पर अपने मैजिक से अटैक करती है। तो वही हार्वेस्टमैन भी मैजिक का यूज करके थंडरस्ट्राइक पर अटैक करता है, और दोनों भी अपने मैजिक से थंडरस्ट्राइक को बांध देते हैं। लेकिन थंडरस्ट्राइक फिर से वहां पर जमीन पर अटैक करता है और क्लिया और हार्वेस्टमैन को दूर फेंकता है। लेकिन क्लिया को गुस्सा आता है और वो अपनी मैजिक से थंडरस्ट्राइक पर अटैक करती है। तो वही थंडरस्ट्राइक अपना हैमर हार्वेस्टमैन के पीठ पर मारता है, जिसके कारण हार्वेस्टमैन थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। तभी क्लिया रुक जाती है और थंडरस्ट्राइक को मास्टरसन के नाम से पुकारती है, जिसके कारण थंडरस्ट्राइक रुक जाता है। तभी क्लिया थंडरस्ट्राइक से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे आदमी हो। लेकिन तभी थंडरस्ट्राइक क्लिया पर अटैक करने के लिए आता है और अपना हैमर क्लिया पे मारता है। लेकिन क्लिया उसी समय एक पोर्टल खोलती है और उस पोर्टल में थंडरस्ट्राइक का हाथ फंस जाता है और कट जाता है। अब थंडरस्ट्राइक के दोनों हाथ कट चुके थे और वो ये देख रहा था। लेकिन तभी वो देखता है कि हार्वेस्टमैन फिर से खड़ा हो चुका था, और तभी हार्वेस्टमैन एक झटके में ही थंडरस्ट्राइक का सर उसके शरीर से अलग कर देता है और कहता है कि ये मिस्टर्स डेथ के लिए है। अब फाइनली थंडरस्ट्राइक मर चुका था, और तब उसके शरीर से वो सारे बुरे घोस्ट निकल जाते हैं। अब क्लिया और हार्वेस्टमैन एक दूसरे के सामने खड़े थे। तभी क्लिया हार्वेस्टमैन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है।
फिर सीन शिफ्ट होती है और हम न्यूयॉर्क का सैंटम देखते हैं, जहाँ पर क्लिया वॉन्ग को बताती है कि हार्वेस्टमैन उसे उलझा के चला गया। तभी बैट्सी क्लिया से पूछता है कि क्या वो तुम्हें रोक पाएगा, जिस पर क्लिया ना कहती है। तभी वॉन्ग कुछ सोचने लगता है और कहता है कि डेथ ने उसका काउंटर पार्ट बनाया है जो सॉर्सरर सुप्रीम है, एक सॉर्सरर सुप्रीम को टक्कर देने के लिए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तभी क्लिया कहती है कि डेथ और उसका सॉर्सरर सुप्रीम अपने काम में बिजी है, जिसका मतलब हम कुछ भी करें तो भी उन्हें पता नहीं चलेगा। तभी वॉन्ग एक किताब खोलता है और कुछ देखने लगता है और क्लिया से कहता है कि तुम्हें एवेंजर्स से मिलना होगा। लेकिन तभी क्लिया तैयार हो जाती है और तब फिर से उनके डोर पे नॉक होता है, जिस पर बैट्सी कहता है कि फिर से डॉक्टर डूम ने होना चाहिए। लेकिन तभी क्लिया डोर खोलती है और देखती है कि उनके सामने एक आदमी खड़ा था और वो क्लिया से कहता है कि ब्लास्फेमी कार्टेल ने फिर से अटैक किया है। ये सुनते ही क्लिया हैरान रह जाती है। तभी क्लिया उस मार्केट में पहुंच जाती है और तब वो आदमी कहता है कि ब्लास्फेमी कार्टेल फिर से यहाँ आए थे और इस बार काफी सारे गोला बारूद ले आए थे। तभी क्लिया देखती है कि ब्लास्फेमी कार्टेल ने पूरा मार्केट तहस नहस कर दिया था और काफी लोग मारे जा चुके थे। तभी ये देखकर क्लिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये जगह मेरे प्रोटेक्शन में थी, तो फिर ऐसे किस तरह के क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने यहाँ वॉरलॉर्ड की टेरिटरी में घुसने की कोशिश की। तभी वॉन्ग एक आदमी को उठाते हुए क्लिया से कहता है कि ये अर्थ है, तुम्हारा डार्क डायमेंशन नहीं, और मैनहट्टन में कोई वॉरलॉर्ड नहीं है। लेकिन क्लिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और वो अगले ही पल वॉरलॉर्ड जैसी बन जाती है और कहती है कि नहीं, अब यहाँ एक वॉरलॉर्ड होगा। तभी वॉन्ग क्लिया को देखता है और चौंक जाता है। तभी क्लिया कहती है कि मैं डार्क डायमेंशन से हूँ और मैं इन गैंगस्टर से लोगों को बचाने में फेल हुई हूँ, और ये मेरी गलती है और मुझे अपनी गलती सुधारनी है, क्योंकि मैं हूँ वॉरलॉर्ड और मैं यहाँ जंग छेड़ने वाली हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि क्लिया पूरी तरह से डोरमामू जैसी बन गई थी और लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी, और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।